ये है आपका ऑल स्टार इंसुलिन रिफिल। एक्चुअली ये आपका एक पेन है जहां पर आप रिफिलिंग कर सकते हैं, और घर में जो लोग इंसुलिन देते हैं उन लोगों के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। पहले मम्मी ये वाला पेन इस्तेमाल करती थी जो है आपका लैंटास का, लेकिन दिक्कत क्या है, ये वाला पेन लगभग 1100 से 1300 रुपए के अंदर आता है, और इसको आप जब इस्तेमाल कर लेंगे इस पेन को आपको फेंक देना पड़ता है। मतलब ये पेन रीयूजेबल नहीं है, मतलब रिफिल आप नहीं कर सकते। तो लास्ट टाइम मैंने ये वाला खरीद के लाया है जो आपका एक पेन है, लेकिन यहाँ पर आप कार्टिज रिफिल कर सकते हैं। ये कार्टिज कुछ इस प्रकार का देखने में लगता है, और इसका दाम लगभग 700 से 730 रुपए के आसपास है। ये पेन मैं बार बार खरीद रहा था हर महीने, जहां पर मुझे कॉस्टिंग बढ़ा था लगभग 1200 से 1300 रुपए। प्राइस थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है, लेकिन मुझे ये कार्टिज मिल जाता है लगभग 700 से 750 रुपए के आसपास। लेकिन उसके लिए आपको ये पेन खरीदना पड़ेगा, इसका दाम भी लगभग 750 से 800 रुपए के आसपास ही है। और मैं आपको पेन दिखाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इसको रिफिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका वारंटी कार्ड दिया गया है, और ये इंस्ट्रक्शन गाइड मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। ये काफ़ी बड़ा एक इंस्ट्रक्शन गाइड है, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है, तो आप डेफिनेटली इसको एक बार पढ़ सकते हैं, पढ़ के और भी जानकारी ले सकते हैं। सो ये है आपका ऑल स्टार का पेन, और इसको निकालते हैं, इसको रखते हैं साइड में। पेन कुछ इस प्रकार का देखने में है, तो यहाँ से आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप रिफिलिंग सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे आप इसको खोल सकते हैं। सो अभी मैं दिखा था उसको रिफिल कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका मुंह का जो नॉब है इसको खोल लेते हैं, और यहाँ पर जो आपका पेन है, मतलब जो निब है, इस निब्स को भी हम निकाल देते हैं क्योंकि नया हम नीडल लगाने वाले हैं। फिर इसको ऐसे इस टाइप से ऐसे ट्विस्ट करना पड़ेगा। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ऐसे अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो ये निकल जाता है। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ क्योंकि बहुत किसी को नहीं पता होता है, अलग अलग पेन का अलग अलग टेक्निक होता है। लेकिन ऐसे जस्ट थोड़ा सा जोर से अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो ये आपका निकल आ जाएगा। तो इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये वाला जो कार्टिज है, ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है जैसे आप देख पा रहे हो, और ये दोनों ही आपका सेम है। तो कार्टिज को रखते हैं साइड में, ये तो काम का नहीं है। और यहाँ पर मैं इस कार्टिज को डाल दूंगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे प्रेस कर देंगे, प्रेस करके इसको ऐसे लगा देंगे। सो कुछ इस प्रकार का जैसे आप देख पा रहे हो लगता है। अभी हम लोग नया नीडल लगाएंगे क्योंकि वो वाला नीडल काफ़ी दिन हो गया है, तो वो और अभी यूज़ नहीं करेंगे। नीडल लगाने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको ऐसे पुश करना पड़ेगा, और पुश करने के बाद इसको आप ऐसे घुमा दो। घुमाने के बाद ये वाला नीडल निकल जाता है, कुछ इस प्रकार का लगता है। और इसको, इसका जो टिप है, ये निकल के आने के बाद आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। मम्मी का शुगर है इसके लिए, वो ये इस्तेमाल करती है, और कुछ इस प्रकार का देखने में लगता है। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, इस प्रकार से आप यहाँ पर रिफिलिंग कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक शेयर और डेटा डॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में अभी तक लेता है, दिस योर होस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा डॉक। होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।